नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूजी बर्ड में और मैं हूं आपके साथ प्रगति सिन्हा। 5000 साल पहले जमीन में दफन हो चुके हड़प्पा कालीन शहर की खुदाई में विकसित शहर होने के सबूत मिले हैं। उस शहर में 5000 साल पहले घर, साफ सफाई, सड़कें, आभूषण और शवों के अंतिम संस्कार के वक्त क्या क्या रखा जाता था, इसके भी सबूत मिले हैं। ये शहर हरियाणा के हिसार के राखी गढ़ी गाँव के 11 टीलों के नीचे दफन है। फिलहाल इन 3 टीलों की खुदाई से पता चला कि राखीगढ़ी सबसे बड़े शहर के तौर पर कभी होता था। रिसर्चर कुमार सौरभ बताते हैं कि जब आप पक्की ईंट की बात करते हैं तो आप इस ड्रेन की बात करते हैं जो एक हड़प्पा कालीन ड्रेनेज है। बतौर कुमार, आज भी साफ सफाई के मामले में हमें उनसे सीखना चाहिए। हड़प्पा कालीन शहर में जल निकासी की एक विकसित प्रणाली थी। वहां तब नालियों के ऊपर घड़े की तरह का एक सोपपीट रखा जाता था जो नालियों में कचरा जाने से रोकता था। राखीगढ़ी गांव के टीलों के नीचे कच्ची और पक्की ईंटों से बनी सड़कें और घरों की संरचना भी मिली है। वहां एक चूल्हा भी मिला है जो 5000 साल पुराना है। चूल्हे के बारे में कुमार सौरभ ने बताया कि यह बड़ा दिलचस्प है कि चूल्हे को मड ब्रिक लगाकर उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, फिर उसमें एयर सप्लाई होती थी, तब यह चूल्हा या भट्टी जलती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस चूल्हे में खाना बनता था या किसी और चीज में ये काम आता था, ये एक शोध का विषय है। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 के नीचे हड़प्पा कालीन लोगों के शवों के अंतिम संस्कार के सबूत भी मिले हैं। वहां 2 महिलाओं के शव मिले हैं। शवों के आसपास रखे सामान हड़प्पा काल के विकसित होने के कई सबूत दे रहे हैं। दूसरे रिसर्चर प्रवीण भास्कर ने बताया कि उन सामानों में शेल के बैंगल मिले हैं। इनके अलावा पॉट्स और वॉट्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जो उनका मनपसंद खाना था वो चीजें लाश के साथ रखा जाता था। भास्कर ने बताया कि खुदाई में वहां कॉपर का एक आईना भी मिला है। वहां फिलहाल 7 माउंट है जहां खुदाई होने बाकी है। जब वहां खुदाई होगी तब नए तथ्य पता चलेंगे। खुदाई में इन महिलाओं के पास जो सामान मिले हैं उनमें हड़प्पा काल की सारी पॉटरी और खिलाने हैं। इनके अलावा कच्चे मोहर मिले हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। ये बहुत खास है, अनबेक्ड है, मिट्टी के हाथी भी वहां बने हैं। इन सारे तथ्यों के आने के बाद इतिहासकारों का मानना है कि राखीगढ़ी हड़प्पा काल में करीब 500 हेक्टेयर में फैली एक नगरीय बस्ती रही होगी जो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बस रही थी। फिलहाल हड़प्पा काल की अभी तमाम जानकारियां अब इन पहाड़ियों के नीचे दबी हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ी बर्ड।